जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। वेल, रियलमी ने रियलमी 8 4G के अंदर रियलमी UI 3.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो काफ़ी सारे यूज़र को मार्च मंथ के अंदर ही रोल आउट कर दिया था एंड काफ़ी सारे यूज़र ने उस अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल भी कर लिया था। लेकिन उस स्टेबल अपडेट के अंदर भी आप लोगों को काफ़ी सारे बग्स देखने को मिलते हैं और उन्हीं बग्स को फिक्स करने के लिए रियलमी अप्रैल मंथ के अंदर एक और नया जो अपडेट है स्टेबल वो प्रोवाइड करवाएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी अपडेट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से फीचर आप लोगों को उस अपडेट के अंदर देखने को मिलेंगे, परफॉर्मेंस कैसी होगी और साथ में कौन कौन से बग्स को रियलमी फिक्स करेगा। तो सब कुछ आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। इस टाइप की वीडियो अगर आपको फ्यूचर में और चाहिए तो नीचे आपको लाकर का बटन देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ बेल आइकन को आप लोग ऑल पे प्रेस कर सकते हो। वेल, इस वीडियो के ऊपर 200 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। आई होप आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। सो लेट्स बिगिन। अब दोस्तों बात की जाए सबसे पहले फीचर के बारे में जो आप लोगों को C.07 के अपडेट के अंदर देखने को मिलेंगे। आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद जाइए पर्सनलाइजेशन के सेक्शन में और पर्सनलाइजेशन सेक्शन के अंदर आप लोगों को रियलमी 8 4G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और फिंगरप्रिंट एनिमेशन जो है रियलमी इस अपडेट के अंदर नए ऐड कर देगा। पहले आप लोगों को 8 ही देखने को मिलते थे लेकिन इस नए अपडेट के अंदर रियलमी ने 2 नए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऐड कर दिए हैं। एक आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा एंड सेकंड आप लोगों को यह देखने को मिलता है वाइप पे, और हर एक फिंगरप्रिंट एनिमेशन पे आपको जो अलग सी साउंड है वो भी सुनाई देगी। ये जो नया एनिमेशन है C.07 अपडेट के अंदर रियलमी 8 4G में ऐड करेगा। अब दोस्तों बात की जाए अगले फीचर के बारे में तो रियलमी ने रियलमी 9 सीरीज के अंदर रियलमी UI में काफी सारे नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए थे एंड मेन फीचर्स था रियलमी लैब सेक्शन के अंदर हर्ट रेट मेजरमेंट का। और इस टाइम के ऊपर अगर आप लोग मेरे फोन का वर्ड फोन चेकआउट करें तो आपको रियलमी 8 4G देखने को मिलता है एंड रियलमी UI 3.0 का स्टेबल वर्जन यूज कर रहा हूँ। साथ में अगर आप लोग रियलमी लैब का सेक्शन चेकआउट करें आपको इसके अंदर भी हर्ट रेट मेजरमेंट का जो फीचर्स है वो मैंने एनेबल कर दिया है और C.07 का जो नया अपडेट आएगा उसके अंदर आप लोगों को ये फीचर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस टाइम के ऊपर अगर आप लोग इसको ट्राई करोगे तो ये रिजल्ट आपको शो नहीं करेगा, कुछ एरर बता देगा। लेकिन C.07 का जो अपडेट आएगा उसके अंदर आपको ये फीचर भी देखने को मिलेगा, रियलमी एनेबल भी कर देगा एंड अच्छे तरीके से वर्किंग भी करेगा। अब दोस्तों आप में से काफी सारे यूजर वेट कर रहे हो कि रियलमी 8 4G में रियलमी UI 3.0 का स्टेबल अपडेट भी आ गया, लेकिन आप लोगों को AOD सेक्शन के अंदर AOD कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिली। लेकिन रियलमी ने C.07 अपडेट के अंदर नए इंडस्ट्री फिंगरप्रिंट स्कैनर ऐड कर दिए हैं, तो यहां पर अब चांसेस बन जाते हैं कि आपको रियलमी 8 4G में रियलमी शायद 50-50% चांसेस हैं कि आपको AOD कस्टमाइजेशन का जो फीचर्स है वो एनेबल कर दे। लेकिन इस टाइम के ऊपर मैं रियलमी 8 4G यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ये फीचर देखने को नहीं मिला है। लेकिन फ्यूचर में अब चांसेस हैं, जैसे इंडस्ट्री फिंगरप्रिंट स्कैनर रियलमी ऐड कर सकता है, इसके एनिमेशन ऐड कर सकता है, तो इसी के साथ AOD कस्टमाइजेशन भी रियलमी 8 4G के अंदर ऐड कर सकता है और शायद फ्यूचर में रियलमी 8 4G में AOD कस्टमाइजेशन ऐड कर दे। अब दोस्तों बात की जाए अगले फीचर के बारे में तो C.07 अपडेट के अंदर रियलमी ऑफिशियली स्टेबल अपडेट में स्मार्ट असिस्टेंट का जो सपोर्ट है रियलमी के हर एक डिवाइस में प्रोवाइड करवा देगा, जिनमें आपको रियलमी UI 3.0 देखने को मिल गया है स्टेबल अपडेट के अंदर और फाइनली मुझे देखने को मिल गया है। मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। एंड सेकंड फीचर आपको देखने को मिलेगा 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का। नए अपडेट C.07 में रियलमी 8 4G में भी रियलमी कैरियर एग्रीगेशन का जो फीचर है उसको एनेबल कर देगा और जल्दी से आपको जो 4G प्लस के नेटवर्क्स हैं रियलमी 8 4G के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये जो फीचर है रियलमी C.07 के नए अपडेट के अंदर ही एनेबल करेगा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई फीचर के बारे में कि कौन कौन से फीचर आपको C.07 के नए अपडेट के अंदर देखने को मिलेंगे। वेल, फीचर्स के साथ रियलमी जो बग्स है उनको फिक्स करेगा एंड कैमरा सेक्शन के अंदर आप लोगों को जो बग्स देखने को मिलता था, UI का लैग देखने को मिलता था और जैसे आप लोग के पिक्चर्स क्लिक करते थे और एकदम से क्लोज करने की कोशिश करते थे तो आपका जो कैमरा है वो आपको लैग देखने को मिलता था, लेकिन पिक्चर्स भी आपके कभी कभी सेव नहीं होती थी। इन सभी बग्स को रियलमी C.07 अपडेट के अंदर फिक्स कर देगा एंड कैमरा का जो UI है वो भी आपको बिल्कुल स्मूथ देखने को मिलेगा, उसके अंदर भी
भी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड स्टेबल अपडेट को मैं लगभग 15-20 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे यूआई के अंदर हल्की सी जिटरनेस देखने को मिली है। इसको भी रियलमी C.07 अपडेट के अंदर फिक्स कर देगा, बट मेजर दिक्कत आपको देखने को मिलती है स्क्रोलिंग के टाइम। वेल, अगर आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को स्क्रोल करते हो लंबे टाइम तक, तो उसमें आप लोगों को हल्का सा जिटनेस देखने को मिलेगा और सिस्टम लॉन्चर के अंदर भी आपको जो लैग इशू हैं वो देखने को मिलेंगे। इनको रियलमी C.07 के नए अपडेट के अंदर फिक्स कर देगा। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई फीचर्स एंड बग्स के बारे में कि इस नए अपडेट के अंदर रियलमी कौन कौन से नए फीचर ऐड करेगा एंड कौन कौन से बग्स को फिक्स करेगा, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब दोस्तों, मेन बात आती है रियलमी एंड ओप्पो डिवाइस की सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट्स को लेकर के। मोस्टली जो नए फीचर्स हैं वो रियलमी सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट्स के अंदर ही इंट्रोड्यूस करता है, तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में रियलमी सिस्टम ऐप्स अपडेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। इस ग्रुप को जाकर के आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। आपको यहाँ पर डेली रियलमी एंड ओप्पो डिवाइस की ऑफिशियल सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट देखने को मिलते हैं और जो अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन है रियलमी एंड ओप्पो की, जितनी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलती हैं। तो आप लोग जाकर के इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली दोस्तों, इतना इस वीडियो में। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।